बीजेपी ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले अपने 38 नेताओं की पहचान की है। इनमें 27 चुने हुए नेताओं को ऐसे बयान देने से बचने की हिदायत दी गई है। इनसे कहा गया कि धार्मिक मुद्दों पर बयान देने से पहले पार्टी से परमिशन ले लें। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाले नुपुर शर्मा और नवीन कुमार पर कार्रवाई के बाद भाजपा जबरदस्त एक्शन में दिख रही है। नेताओं के पिछले 8 साल यानी सितंबर 2014 से 3 मई 2022 तक के बयानों को आईटी विशेषज्ञों की मदद से खंगाला गया है। करीब 5,200 बयान गैर जरूरी पाए गए। वहीं 2700 बयानों के शब्दों को संवेदनशील पाया गया। 38 नेताओं के बयानों को धार्मिक मान्यताओं को आहत करने वाली कैटेगरी में रखा गया है। इन नेताओं के नाम हैं अनंत कुमार हेगड़े, शोभा करंदलाजे, गिरिराज सिंह, तथागत राय, प्रताप सिम्हा, विनय कटियार, महेश शर्मा, टी राजा सिंह, विक्रम सिंह सैनी, साक्षी महाराज, संगीत सोम, उमा भारती। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी के बाद अरब देशों में बायकॉट इंडिया सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। इस बीच कुवैत के कुछ सुपर स्टोर्स ने भारत में बने सामानों की बिक्री रोक दी है। कुवैत सरकार ने कहा है कि भारत में सत्ता में मौजूद पार्टी के नेताओं ने मुस्लिमों की भावनाओं को आहत किया है, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। UAE, जॉर्डन और इंडोनेशिया ने भी नुपुर शर्मा और नवीन कुमार के बयानों पर आपत्ति जताई है। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने भारत की आलोचना करते हुए UN से मुसलमानों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। इधर भारत ने OIC के बयान को संकीर्ण बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, कुछ लोगों की अमर्यादित टिप्पणी भारत सरकार के विचारों को प्रदर्शित नहीं करती है। हालांकि इस विवाद के बाद भारतीय जनता पार्टी ने टीवी डिबेट में हिस्सा लेने वाले प्रवक्ताओं के लिए गाइडलाइन बना दी है कि वो धार्मिक विषयों पर सोच समझ कर बोलें, लेकिन उससे पहले पार्टी से परमिशन जरूर ले लें। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार पर कार्रवाई के बाद भी गल्फ देशों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने मौके की गंभीरता को देखते हुए अपने नेताओं को किसी भी धर्म के बारे में बहुत सोच समझकर बोलने के लिए कहा गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो आए दिन इस तरीके से बयान देते रहते हैं। अब ऐसे में देखने लायक बात तो ये होगी कि जिस तरीके से पार्टी ने गाइडलाइन जारी की है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता इस गाइडलाइन को कितना मानते हैं और नुपुर शर्मा के केस से कितना सीख लेते हैं और सीख लेते भी हैं या नहीं। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले बयान देने वाले नेताओं की फौज है, उसके आधार पर इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने गंभीरता से काम करते हैं, ये देखने लायक बात होगी। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे